हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर एंड वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था व्हाट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, तो देखो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, एंटीबॉडी, यहाँ से आप समझिएगा, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय ग्लोबिन प्रोटीन, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पे समझना, जो एंटीबॉडी है आर प्रोड्यूस बाय ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबुलिन है और इम्यूनोग्लोबुलिन ही एंटीबॉडी है, ठीक है। जस्ट नाम का चेंजेस है यहाँ पे। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय ग्लोबुलिन प्रोटीन, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो इसे एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोला है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए बोला गया है क्योंकि ग्लोबुलिन, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसके थ्रू, जैसे अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, गामा ग्लोबिन जो होता है ना, गामा ग्लोबिन का जो पार्ट है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन ही इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है, सो इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। आगे देखिए, दैट आर मेनली सिंथेसाइज्ड इन अ सीरम एंड टिश्यू और फ्लूइड। देखो सिंथेसाइज का मतलब होता है बनना, प्रोड्यूस होना। कहाँ पे बनती है ये, सिंथेसाइज्ड बनती है इन अ सीरम एंड टिश्यू और फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में और टिश्यू में और सीरम में। देखो टिश्यू में क्यों पाई जाएगी, क्योंकि सिंपल ऐसे समझ लो, आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करेगा तो टिश्यू में वहाँ पे क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी, जो उसको किल कर देगी। फ्लूइड में मिलेगी, सीरम में मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, दिस एंटीबॉडी इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच हेल्प टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन। सिंपल सीधी लैंग्वेज में आपको दो चीज़ों समझना है कि एंटीबॉडी स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि मदद करती है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजन। एंटीजन वो होता है जो कि बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। अब बाहर से कोई भी एंटीजन आया तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज का सिंपल मतलब होता है कि उसको किल कर देगी या उसे इनएक्टिव कर देगी। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के क्या फंक्शंस होते हैं, नंबर वन, इट प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ म्यूकोसल सरफेस ऑफ द होस्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इट प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब देती है, अटैचमेंट करवाती है ऑफ म्यूकोसल सरफेस। म्यूकोसल का मतलब होता है कि ऊपर वाली लेयर, म्यूकोसा लेयर ऑफ द होस्ट। अब होस्ट कौन है, होस्ट का मतलब ये है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, सिंपल बात ये समझ लो आप, जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी जो एंटीबॉडी है वाई शेप की होती है, इससे अटैचमेंट करवाती है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से ये अटैचमेंट करवाएगी। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट चीज अपन इसमें देखते हैं, इट रिड्यूस द वायरुलेंस ऑफ माइक्रोब्स बाई न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है, वायरुलेंस एक फैक्टर होते हैं जो कि एंटीजन के ऊपर पाए जाते हैं, उनको भी न्यूट्रलाइजेशन करेगी और टॉक्सिन को भी ये इनएक्टिव कर देती है। सिंपली ये टॉक्सिन वगैरह को भी इनएक्टिव करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प टू फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। सिंपल बात है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी की एंटीबॉडी किसी बैक्टीरिया को किल कर दे, उस प्रोसेस को खा जाए। देखो ये जैसे कि एक यहाँ पे मैं एक बैक्टीरिया ड्रॉ करता हूँ, ये हमारी बॉडी की एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी इसको खा जाएगी, अंदर एंटर कर लेगी, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन का किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है ये चीज़ें देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल विच हैज़ टू स्पेशल टाइप ऑफ चेन। सिंपल समझना, इम्यूनोग्लोबुलिन एक वाई शेप का मॉलिक्यूल है, ये वाई शेप हमें दिखाई दे रहा है। तीन चीज़ें बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। वाई शेप का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाई शेप का मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये भी समझ में आता है। दो चेन होती है, एक चेन का नाम है एल मतलब की लाइट चेन, एक का नाम है एच मतलब की हैवी चेन। एल का मतलब लाइट, एच का मतलब हैवी। अब देखो ये एल चेन, एल छोटी मतलब की लाइट, हेवी मतलब की बड़ी। सिंपल कितनी होती है, दो लाइट चेन है, दो हेवी चेन है, ठीक है।
दो लाइट चेन पाई जाती है, दो हेवी चेन पाई जाती है, दोनों आपस में कनेक्टेड रहती है। दीज बोथ चेन आर हील्ड टूगेदर बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड SS बॉन्ड। देखो यहाँ पे आपको ये दोनों चेनें आपस में जुड़ी दिखाई दे रही है, किसके थ्रू? डाइसल्फेट। डाइसल्फेट का सिंपल मतलब बताऊँ मैं आपको, तो क्या होता है जब एक सल्फेट से दूसरा सल्फेट जुड़ गया तो ये बन गया है आपका डाइसल्फेट बॉन्ड, इसीलिए मैं इसे डाइसल्फेट बॉन्ड कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ, वन मिनट। ठीक है, डाइसल्फेट बॉन्ड तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपको दो चेन आपस में कनेक्टेड रहती है, डाइसल्फेट मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको एक बार ये चीज़ को। इम्यूनोग्लोबुलिन वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, दो चेन होती है, लाइट चेन और हैवी चेन। लाइट चेन ऊपर होती है जो कि छोटी होती है, हैवी चेन नीचे की साइड होती है, हैवी मतलब कि बड़ी। दिस बोथ चेन आर हील्ड टुगेदर बाय डाइसल्फेट बॉन्ड। डाइसल्फेट बॉन्ड मतलब डबल सल्फेट के बॉन्ड से आपस में जुड़ी रहती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के कितने प्रकार होते हैं? देर आर मेन फाइव टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट। पांच टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन आपके यहाँ पे पाई जाती है बॉडी में। एक नंबर वन पे है IgG, जी बीच वाला जी हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक है, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। ठीक है, इसको आप सिंपली याद रखना, टोटल फाइव टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी बॉडी में पाई जाएगी, IgG, M, A, E और D। देखो IG का मतलब कुछ नहीं, आई का मतलब इम्यूनो, जी से ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक है एप्साइलोन, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, ये इसके GME जो है इनके हैवी चेनों के नाम दिए गए, और IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं IgM के बारे में। देखो यहाँ पे बताया पांचों प्रकार होते हैं, इन सारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ पे हम देखेंगे IgG। IgG क्या होते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिए, आपको पूरे डाउट क्लियर होंगे। IgG इज मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। देखो अबंडेंट शब्द का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, वो है IgG। IgG इज मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी बिकॉज इट इज 70-80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन 100% है, अब उन 100% में 70-80% तो IgG ही पाई जाती है, बाकी का बचा हुआ परसेंट आपके MEDA का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, ये चीज़ समझ में आए, IgG मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इट हैज़ 23-day लाइफ स्पेन। देखो 23 दिन इसका जीवन काल होता है। अब बोलोगे सर 23 दिन में ख़त्म हो जाती है तो फिर ये हमारी बॉडी में कैसे मिलेगी? देखो एंटीबॉडी हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है सोई हुई रहती है आपके इम्यून सिस्टम के अंदर। बट वेन, जब इसको कोई भी एंटीजन आएगा ये अब एक्टिवेट होगी, तो ये एक्टिवेट होने के बाद 23 दिन तक जिंदा रहेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। और ओरिजिनल जो एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, अगर आपको पता हो तो इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम में सोई हुई रहती है वो। अब एक्टिवेशन होने के बाद ये 23 दिन तक जिंदा है, बैक्टीरिया को मारेगी, खाएगी और बॉडी से निकाल देगी, और ये भी डाई हो जाएगी। ठीक है, IgG इज़ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। IgG एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये समझिए आप। IgG स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस द प्लेसेंटा, कैन क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को। ये प्लेसेंटा क्या होती है, देखो जो मदर, जब मदर के अंदर बच्चा पेट के अंदर रहता है माँ के अंदर, तो बच्चा जो है अपनी माँ से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, जैसे हिंदी में हम नाभि नाल भी कहते हैं, उस नाभि नाल के द्वारा ही बच्चे 9 महीने का न्यूट्रिशन बच्चे को मदर से ही मिलता है। तो मदर के अंदर क्या पाई गई है, IgG, जो कि प्लेसेंटा को पार करके फीटस तक चली जाती है। जबकि अदर एंटीबॉडी की बात करें IgM, E, ये कोई भी क्रॉस करके बच्चे के अंदर नहीं जा पाती है।
खाली एक सबसे पहली इम्यूनिटी बच्चे को मिलने वाली आईजीजी होती है, आईजीजी ही मदर के थ्रू बच्चों में जाती है और उसी की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चे इन्फेक्शन से बचते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी जो अदर एंटीबॉडी रहती है ना, आईजीए, आईजीएम, ईडी, ये सब जो बच्चों को मिलेगी, पर कैसे मिलेगी, मदर के मिल्क के थ्रू, जब माँ का दूध बच्चा पिएगा तब उसको वहाँ से ट्रांसफ़र होती रहती है। बट मेन इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी जो कि क्रॉस होती है प्लेसेंटा के थ्रू। तो आप याद रखना क्या आईजीजी एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को पार करके चली जाती है। इट इज़ एक्टिवेट ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, देखो मैं आपको इम्यून रिस्पॉन्स आगे पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जब पहली बार कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा और हमारी एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया को पहली पहली बार मारेगी तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और जब वही बैक्टीरिया भविष्य में दूसरी बार आएगा तब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। आया समझ में? जैसे कि एक बार बचपन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, फिर देखा फ्यूचर में एक बार और हो गया, जब फ्यूचर में होगा ना तब आईजीजी एक्टिवेट हो जाती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। देखो इसकी कुछ सब क्लासेस भी होती है, आईजीजी 1, आईजीजी 2, 3, 4, 5। अब देखो ये क्यों होती है, क्योंकि इसका जो आगे मैं आपको बताऊंगा इस चीज के लिए, ये लाइन अभी रुकिए, नीचे देखिए आप, इसमें नॉर्मल रेंज ऑफ आईजीजी इन शीरम 8 to 16 mg पर डे से, जो शीरम में होती है ना पर डे से लीटर में आपके 8 से 16 ग्राम मिलती है वो। देखो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, मैंने आपको आपको बोला था कि आईजीजी, यहाँ पे ये लाइन पढ़ाई थी ना, आईजीजी 1, 2, 3, 4 ये रही, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो इनमें थोड़ा सा शेप का चेंजेस आता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। आपको इतना ये चीज़ों को ध्यान नहीं रखना, खाली इतना ध्यान रखना कि दो लाइट चेन, दो हेवी चेन, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट्स इट, दैट इज़ अ एंटीबॉडी। नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं अपन आईजीएम के ऊपर। अब आईजीएम क्या होती है, आईजीएम इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंटीबॉडी विच हैज़ हायर मोलिक्यूलर वेट। यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, उसके पास मोलिक्यूलर वेट कम था, इसके पास मोलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। मोलिक्यूलर वेट का मतलब होता है इसका वजन, मोलिक्यूलर मतलब मोलिक्यूल, छोटा छोटा पार्टिकल्स को हम मोलिक्यूल बोलते हैं, और एंटीबॉडी हमको अच्छे से पता है कि एंटीबॉडी क्या है, एक मोलिक्यूल है, छोटी चीज़ है, इसीलिए हम उसे मोलिक्यूल बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे मोलिक्यूलर वेट। अब जैसे आप ह्यूमन हो तो आपको बोलेंगे ह्यूमन वेट, आपका मनुष्यों का वजन, ठीक है, आप बोलेंगे वो मोलिक्यूल है आईजीएम, तो उसे हमने मोलिक्यूलर वेट। इसका वजन ज़्यादा क्यों होता है मैं आपको आगे इसमें ही बताऊंगा। नेक्स्ट चीज देखिए, इट हैज़ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन मोलिक्यूल विच आर अटैच टू ईच अदर। समझिएगा यहाँ पे आप, हायर मोलिक्यूलर वेट, हायर मोलिक्यूलर वेट इसलिए है क्योंकि इट हैज़ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन मोलिक्यूल। समझिए बात को, देखो वाई शेप का एक मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल, तीन मोलिक्यूल, चार मोलिक्यूल, पांच मोलिक्यूल। जब पांच एंटीबॉडी आपस में जुड़ती है, इस जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, इस जुड़ने की वजह से ये बना लेती है कौन सी एंटीबॉडी, ये बना लेती है सिंपली हमारी आईजीएम, इसी कारण इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है। रेंज नॉर्मल रेंज भाई ध्यान रखना आईजीएम की होती 0.5 to 2 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि अपन ने पहले कितनी पढ़ी थी, हमने पहले ज़्यादा पढ़ी थी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती थी। इट हैज़ पेंटामरिक स्ट्रक्चर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनिन एंटीबॉडी। देखो आप बात समझो, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का वो पेंटा मतलब कि पाँच, सिंपल बात है, क्या होता है पेंटामेरिक, देखो डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, सिंपल देखिए, आईजीएम जो होती है सबसे ज़्यादा वजन वाली है, क्योंकि सिंपल देखो 1, 2, 3, 4, 5 पाँच इम्यूनोग्लोबुलिन के मोलिक्यूल जुड़े हैं, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन के मोलिक्यूल एक जे चेन, एक जे मोलिक्यूल होता है, वो चारों पाँचों को जोड़ के रखता है, चारों पाँचों को जोड़ के रखता है। इसे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों बोलूँगा भाई, इसके कितने हाथ है, एक दो, अब देखो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको, देखो ये मैंने आईजीजी बोली थी, आईजीजी के पास कितने हाथ है, एक हाथ ये है, एक हाथ ये, अब दो हाथ से भाई दो ही एंटीबॉडी, दो ही बैक्टीरिया को मार पाएगी। पर अगर मैं बात करूं आपकी आईजीएम की, तो इसके पास कितने हाथ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो भाई ये ज़्यादा इफेक्टिव है ना, ये ज़्यादा बैक्टीरिया को मार पाएगी, इसके ज़्यादा हाथ पैर है, ये ज़्यादा बैक्टीरिया को किल कर पाएगी, इसीलिए बोला है मैंने यहाँ पे इट हैज़ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन का एक रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी की, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर लिया, अगर
आपको समझ में नहीं आता है ग्लूटिनेशन, तो आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं IgA के बारे में पढ़ते हैं। IgA क्या होती है? दिस इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। देखो भाई, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में तो IgG पाई जाती है, पर दूसरे नंबर पे बात करें तो IgA आती है। भाई इसका भी लेवल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। दिस इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट का मतलब सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी, विच हैज़ नॉर्मल रेंज 0.6 to 4.2 mg/dL, इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इट हैज़ टू इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। देखो पहले मैंने क्या बोला था, IgM ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि इसके पास कितने एंटीबॉडी, 1, 2, 3, 5 थे, बट ये IgA के पास दो ही होते, एक ये और एक ये। देखो इट हैज़ टू इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच आर अटैच टू ईच अदर बाय जे चेन। भाई जे चेन से जुड़ेंगे, ये रही जे चेन इन दोनों को जोड़ने वाली। IgA इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सिक्रेशन। देखो IgA कहाँ कहाँ मिलेगी? सिक्रेशन में। सिक्रेशन मतलब निकलने वाली चीज, सिक्रेट होना। देखो मिल्क, मदर का मिल्क सिक्रेट होता है, बनता है, मदर का मिल्क बाहर निकलेगा, उसमें भी IgA पाई जाएगी। टीयर आपके आंसू में पाई जाएगी, सलाइवा माउथ में पाई जाएगी, इंटेस्टाइन में पाई जाएगी और डिफरेंट प्लेसेस। देखो माउथ में होने का रीज़न ये है कि माउथ में सलाइवा के थ्रू IgA बनेगी, तो ये तो बैक्टीरिया को वैसे ही किल कर देगी ना। अब मदर के मिल्क में रहती है तो बच्चों को फ़ायदा होता है, सलाइवा में रहती है। टीयर यदि कोई आँखों से कोई बैक्टीरिया इंटर होगा तो टीयर में IgA मार डालेगी उसको, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एंड इट इज़ मेन फंक्शन इज दैट इट प्रोटेक्ट अ म्यूकोसल मेम्ब्रेन फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकोसल मतलब क्या? अब आपके माउथ में सीक्रेट हो रही है तो माउथ के ऊपर वाली म्यूकोसल लेयर है, उसको बैक्टीरिया को मारने से बचाएगी। म्यूकोसल मतलब सुपरफिशियली लेयर। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, दो इम्यूनोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल है, लाइट चेन हैवी चेन है, जे चेन से जुड़ी हुई है, बस दैट्स इट। IgD के बारे में देखो, IgD स्ट्रक्चर इज सेम एज IgG। IgG के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ नॉर्मल रेंज 3 mg/100 ml में 3 mg मिलती है। इट इज़ मोलिकुलर वेट इज 1,80,000, इसका नॉर्मल। ये देखो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सेम स्ट्रक्चर होता है। IgD होती है ना, कुछ नहीं होती है। IgG का ये कॉपी राइट होता है, कॉपी होती है उसी टाइप से होती है। IgE के बारे में पढ़ते हैं। IgE इज इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज स्ट्रक्चुरली सेम। इसका स्ट्रक्चर भी IgG की तरह ही होता है और इसका मोलिकुलर वेट 1,90,000 होता है। IgE इज मेनली प्रोड्यूस इन अ लाइनिंग ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, IgE जो होती है ना, ये आपके रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बनती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन हीट लेबाइल। अब देखो हीट लेबाइल का मतलब क्या होता है? अदर इम्यूनोग्लोबुलिन आर हीट स्टेबल। देखो हीट लेबाइल ये वाली IgE है, लेबाइल का मतलब होता है कि हीट मतलब टेम्परेचर से मर जाती है, जबकि अदर इम्यूनोग्लोबुलिन हीट से नहीं मरती है, वो हीट स्टेबल होती है। ठीक है, लेबाइल मतलब मर जाना और स्टेबल मतलब स्टेबल रहना उस जगह पे। इट इज ऑल्सो प्रिवेंट ऑन सुपरफिशियली एंड फाइट अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन इन एनी कंडीशन, रिड्यूस द लेवल ऑफ IgE। यदि देखो IgE इन्फेक्शन से फाइट करते, यदि किसी कारण से IgE का लेवल कम हो गया, देन इट मे बी Type 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, फीवर हो सकता है, बॉडी में ईचिंग हो सकती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ईचिंग हो रही है या फिर अस्थमा हो गया है, Type 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो IgE का लेवल कम हो गया है। ठीक है, तो ये था आपके 5 क्लासेस। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आप मैं आपको एक बार वो चीज़ दिखा देता हूँ, इसका शॉर्ट एक्टिविटी। देखो IgG में सबसे पहली बात तो गामा चेन होती है, 75% सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इस पर सबसे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करती है, ट्रांसपोर्ट पैसेज मतलब जो प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, IgG होती है। इसमें A में अल्फा होता है, 15% पाई जाती है। M से म्यू होता है, 10% पाई जाती है। A से एप्साइलोन होता है, 0.004% होती है। IgD का 0.2% पाई जाती है। ये शॉर्ट स्टडी है, आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर इंडियन मेडिकल लेक्चर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिए हुए, अगर आपको इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।